गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरी वन गुड आफ्टरनून एवरी वन वेलकम टू पी एस सी वाला पीएससी वाला में आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत है और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं बिहार के इतिहास पक्ष को संपन्न करने के लिए मतलब आज उसकी पूर्णाहुति करेंगे तो एक बार में पूर्णाहुति तो होगा नहीं इतिहास बड़ा पोर्शन है धीरे धीरे करके यह पूर्णाहुति को हम अंजाम देंगे तो उम्मीद है कि आप लोग जिस सीरियसनेस से पढ़ते थे उसी सीरियसनेस से पढ़ेंगे और उसी सीरियसनेस से यहाँ पर समझने का प्रयास भी करेंगे एम होगा यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि जिसको आता है वो कमेंट करेगा जिसको नहीं आता है वो आंसर जानने के बाद कमेंट करेगा ठीक है आंसर जानने के बाद कमेंट करने से फायदा ये होता है कि आपको वो चीजें याद रहती हैं तो आप लिखिएगा जरूर आए ना आए ठीक है तो आए ना आए कोशिश जरूर करना है हर जगह कोशिश करते हैं आप लोग हर पक्ष में जीवन की हर लड़ाई में कोशिश करते हैं समझ ही रहे हैं मेरी भाव में क्या कह रहा हूं तो इस लड़ाई में भी कोशिश आपको करनी है ठीक है क्लियर है तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको चीजें काफी अच्छे ढंग से पसंद आएगी आप हमारे साथ यहाँ लंबे समय तक जुड़ेंगे और आप हमें अपना प्यार देते ही रहेंगे ठीक है ऐसे प्यार देने के लिए आपके पास बहुत लोग हैं लेकिन हम पे भी थोड़ा सा बरसाएंगे चलिए तो सभी को गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जो भी है बिहार के इतिहास वाले पक्ष पर बात करते हैं देखिएगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे उसके 360 डिग्री व्यूज पर बात करेंगे मतलब पूरे क्वेश्चन को मरोड़ तरोड़ देंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे इंडिया से पूछे आउट ऑफ इंडिया से पूछे बिहार से पूछे सब जगह से क्लियर हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले सवाल की ओर चलते सबसे पहला सवाल क्या है <coughs> बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है थोड़ा सा मिक्स सवाल है मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का सवाल है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई ठीक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये दोनों सबसे पहले तो अलग है ठीक है जब छोटे स्तर पर थी तो उसको कहते हैं कि प्रोविजनल लेवल पर थी तो उसको बिहार सोशलिस्ट पार्टी कहते थे जब वो बड़े स्तर पर बन गई तो वो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो गई तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है इसको समझना है जैसे कि आपको पता है एक प्रांतीय किसान सभा थी और प्रांतीय किसान सभा जब थोड़ी बड़ी हो गई तो वो अखिल भारतीय किसान सभा बन गई प्रांतीय किसान सभा उन्नीस और फिर अखिल भारतीय किसान सभा उन्नीस उसी प्रकार से जैसा प्रांतीय किसान सभा था अखिल भारतीय किसान सभा था ठीक उसी प्रकार से बिहार सोशलिस्ट पार्टी है एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी है और एक बिहार कांग्रेस तो देर आर टू पार्टीज बिहार सोशलिस्ट पार्टी और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ठीक है अब ये जो है ये 1931 में बनी थी और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वह उन्नीस में बनी थी ठीक है तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको समझना है ये 1934 है ये 1931 है छोटे स्तर पर थी और उसके बाद बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक बृहद स्तर पर उन्नीस में अंजुमन इस्लामिया हॉल तो उन्नीस में बनाई गई ये कहां पर तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में ठीक है तो नाम है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही होगा तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में, में बनाई गई क्या नाम है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी पर फिर बात करेंगे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पर तो इस पर बाद में आएंगे पहले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नए पैटर्न के हिसाब से जो है वो आंसर आपको बता रहा हूं मतलब जो सवाल है वो नए पैटर्न के हिसाब से है जिसमें बीपीएससी जिस प्रकार से पांच ऑप्शन आपसे पूछता है ठीक उसी प्रकार से आपको पांच ऑप्शन मैंने दिया है तो ये बिहार कांग्रेस सोसलि, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में है तो 1931 में सदस्य का नाम ध्यान रखिएगा सदस्य का नाम आपसे पूछ सकता है गंगा शरण सिंह नाम ध्यान रखिएगा इसको मिटाता हूं <coughs> इसको मिटा देता हूं मिटाने में बहुत सारा स्क्वायर बन गया तो देखो इसमें ध्यान रखिएगा नाम को एक नाम है गंगा शरण सिंह ठीक है तो नाम जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से क्योंकि सदस्यों का नाम आपसे पूछता है दूसरा है जयप्रकाश नारायण <coughs> जयप्रकाश नारायण तीसरा है फूलन प्रसाद ठीक है फूलन प्रसाद फूलन प्रसाद हालांकि पूरा नाम फूलन प्रसाद वर्मा है चौथा है अब्दुल बारी चौथा नाम है अब्दुल बारी पांचवा है सांक्रतायन। राहुल सांक्रितायन राहुल सांक्रितायन ठीक है तो इनका नाम है ये सब नाम जो है वो आपको ध्यान में रखना है और है अंबिका सिन्हा एक नाम और है ये छहों नाम ध्यान में रखिएगा अंबिका सिन्हा तो ये छह नाम है गंगा सरन सिंह जयप्रकाश नारायण फूलन प्रसाद वर्मा अब्दुल वारी राहुल सांक्रितायन और अंबिका प्रसाद सिन्हा इनका अंबिका सिन्हा इन सभी नाम को ध्यान रखिएगा इन सभी का संबंध किससे तो पार्टी से है से ये सवाल अगर पूछे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है उनके उसकी स्थापना कब हुई थी तो वो 1931 में हुई थी फिर अगर आपसे पूछ सकता है कि प्रमुख सदस्य कौन थे तो इन सदस्यों का नाम ध्यान में रखना है इसके अलावा भी थे जैसे राम वृक्ष बेनुपुरी थे योगेंद्र शुक्ल थे कर्पूरी ठाकुर थे तो वो अलावा में थे लेकिन ये जो हैं हैकाश नारायण फूलन प्रसाद वर्मा अब्दुल बारी सराहुल सांक्रेतायन एंड अंबिका सिन्हा इन सभी ने मिलकर एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में है अब जो हम बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं इसमें सोचिएगा थोड़ा सा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यह क्या है यह 1934 में बनी है इस को दूर कर लीजिए एक बिहार सोशलिस्ट है एक बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट है ये दोनों अलग अलग है ठीक है अब इसकी जो स्थापना हुई है इसके अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है नरेंद्र देव अध्यक्ष का नाम क्या है नरेंद्र देव और सचिव कौन है तो अध्यक्ष नरेंद्र देव है और सचिव कौन है जयप्रकाश नारायण इसके सचिव कौन है जयप्रकाश नारायण तो ये ध्यान रखना है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो अलग अलग है इनमें ये सदस्य हैं इनमें ये सदस्य हैं दोनों को एक ही जगह पर मैंने आपके साथ अंतर स्पष्ट कर दिया जिससे आपको ये समझ हो जाए कि भाई दोनों अलग अलग है क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन आपको होता है बहुत कंफ्यूजन होता है कि अरे यार ये तो अभी उन्नीस पढ़े थे ये उन्नीस कैसे हो गया फिर आपको लगता है यार इसके सदस्य तो कोई और थे इसके सदस्य तो कोई और कैसे हो गए इसमें सचिव इसमें सचिव कोई और हो गए तो क्या है <coughs> ये बिहार सोशलिस्ट है ये बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट है ठीक उसी प्रकार से है जैसा मैंने आपको बताया कि एक है प्रांतीय किसान सभा उन्नीस में और एक है अखिल भारतीय किसान सभा मीन्स प्रोविजनल किसान सभा है ये और एक अखिल भारतीय किसान सभा है ये दोनों अलग अलग है जब बड़े लेवल पर चला गया तो उसका नाम क्या हो गया अखिल भारतीय किसान सभा ठीक है ऑल इंडिया किसान सभा ये 1936 हो गया तो जिस प्रकार इन दोनों में डिफरेंस है उसी प्रकार बिहार को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के मध्य डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को बहुत अच्छे ढंग से जरूरी ढंग से समझना है ठीक है <coughs> अब देखिए इस चीज को समझने के लिए <coughs> थोड़ा पानी पीना पड़ेगा <coughs> बोलते बोलते मुंह सूख जाता है देखो यहां जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहां पर अच्छे ढंग से दिया है इस एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा अंग्रेजी हिंदी में एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा क्लास के बाद इसकी पी दे दूंगा क्लास के बाद दूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा लेकिन एक्सप्लेनेशन में थोड़े आपको यह बताएगा कि इन दोनों के मध्य डिफरेंस क्या है क्या नहीं है यह एक्सप्लेनेशन में आपको नहीं मिलेगा यह तभी मिलेगा जब आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे ठीक है तो इसको थोड़ा सा जब पढ़ेंगे तब थोड़ा सा आपको मिलेगा चलिए अब हम थोड़ा सा अगले सवाल की ओर चलते हैं अगला सवाल क्या है थोड़ा सा देखते हैं देखिए इसी प्रकार का सवाल एक बीपीएससी ने आपसे पूछा ठीक है इसी प्रकार का सवाल है सेम सवाल है बीपीएससी में सवाल आया हुआ है सवाल पूछ रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया ठीक है यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी इसको हिंदी में लिख दिया समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी सोशलिस्ट मतलब होता है जिसमें राज्य जो है सब कुछ निर्धारित करता है मीन स्टेट मीनस राज्य मतलब सरकारें निर्धारित करती हैं कि क्या उत्पादन होगा कितना उत्पादन होगा किसके लिए उत्पादन होगा ठीक है गरीबों के लिए होगा राज्य इसमें कल्याणकारी भावनाएं है रखती हैं वेलफेयर होता है राज्य का मोटिव तो ये सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग है ठीक है इसके अलावा जो है वो पूछ रहा है कि इस पार्टी का गठन किसने किया है अभी ही आपको बताया ये सवाल बीपीएससी ने पूछा है तो ये सवाल बीपीएससी ने पूछा है तो इस पार्टी का गठन किसने किया था सिंपल है अभी आपने देखा कि इस पार्टी में गंगा सरन सिंह जयप्रकाश नारायण फूलन प्रसाद वर्मा अब्दुल बारी राहुल सांक्रतायन अंबिका सिन्हा राम वृक्ष बेनीपुरी योगेंद्र शुक्ल अब्दुल बारी कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह ये इतने लोग हैं जो इस पार्टी में शामिल हैं ठीक है इसकी स्थापना में शामिल है तो इसमें से देखिए किसका नाम यहां पर दिया हुआ है तो इसमें से यहां एक नाम जो है आपको दिख रहा है तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन ठीक है करेक्ट आंसर आपका सिंपल हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन तो ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर सिंपल क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है इसमें आसानी से आप इसको जो पिछला वाला सवाल पढ़ा होगा वो इसको बना सकता है बीपीएससी ने इस पर सवाल पूछा है लगातार बीपीएससी इस पर सवाल पूछती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है और बिहार से संबंधित यह पार्टी है इसलिए बीपीएससी में भी हो सकता है कि इसे सीधा सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए ठीक है अगले सवाल पर आते हैं मुंडा के गुरु कौन थे यहां सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कि बिरसा मुंडा बताइएगा बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था कौन बताएगा सिंपल है देखिए स्वामी सहजानंद का तो संबंध आपको पता है किससे है अखिल भारतीय किसान सभा से किसान नेता थे स्वामी सहजानंद ठीक है जात्रा भगत के बारे में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे आनंद पांडे जो हैं वो विरसा मुंडा के गुरु हैं लेकिन सवाल हालांकि पूछा है गुरु कौन है ये बीपीएससी का सवाल आया हुआ सवाल है अब देखिए गुरु कौन है पूछा है लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि करेक्ट आंसर इसमें आनंद पांडे है <coughs> मोटिव मेरे सवाल का आनंद पांडे जी को आपको बताना नहीं है मोटिव मेरे यहां पर सवाल का यह है कि आप विरसा मुंडा के बारे में बहुत सारी चीजें जान जाएं जो आपसे पूछे ठीक है तो देखिए बिरसा मुंडा जो है उन्होंने आपको पता है उन्होंने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था तो मुंडा रिवॉल्ट मुंडा रिवॉल्ट का उन्होंने नेतृत्व किया मुख्य तौर पर यह रिवॉल्ट कब हुआ है 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ है ठीक है मुंडा जो है बिरसा मुंडा जो है उनका जन्म कब हुआ अठारह ईस्वी में उनका जन्म हुआ है अठारह ईस्वी में उलिहातू गांव में हुआ था झारखंड में उलिहाती गांव तो नाम भी ध्यान रख सकते हैं कि कहां हुआ था तो उलिहातू गांव में इनका जन्म हुआ था यह भी ध्यान रख सकते हैं अठारह में इनका जन्म हुआ था अब देखिए स्टार्टिंग में धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वो ईसाई बन गए ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो है उनका मन जो है शांत नहीं रहा और उसके बाद क्या करने लगे उसके बाद जो है आप देखिएगा हिंदू धर्म से भी काफी प्रभावित हैं, उनका जो उनके जो वो, जो उनके वो उनके पूर्वज थे पूर्वज के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा मतलब है कि देखिएगा थोड़ा सा यहां समझने का प्रयास करिएगा कि उनको ईसाई धर्म वो ईसाई बन गए स्टार्टिंग में जो जर्मन धर्म, धर्म प्रचारक आए तो थोड़ा सा समझना है क्योंकि आप लोग अभी इसके बारे में पढ़े नहीं हैं तो जर्मन धर्म प्रचारकों के कारण ये बन गए ईसाई ठीक है उसके बाद हालांकि ईसाई तो बन गए लेकिन उनकी अभी भी जो आत्म पिपासा है, जो मन का है वो शांत हो नहीं रहा था उसके बाद जो उनके पूर्वज मानते थे वो क्या मानते थे मुंडा धर्म तो मौलिक मुंडा धर्म में यह विश्वास करने लगे ईसाई में उनकी आत्म शांत नहीं हुई तो उन्होंने मौलिक मुंडा धर्म स्वीकार कर लिया और इसको मानने लगे हालांकि वो हिंदू हिंदू विचारधारा से भी काफी प्रभावित थे ठीक है अब देखिए अठारह में क्या हुआ अठारह में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा 1895 में उन्होंने एक अपना एक अलग संप्रदाय ही बना दिया अलग संप्रदाय और उसके आधार पर जो देवी देवता हैं उनकी जगह पर सिंग बोंगा ध्यान रखिएगा इस चीज को इस शब्द को ध्यान रखेंगे सिंग बोंगा सिंग बोंगा का मतलब होता है एक देवी एक देवता मतलब सिंगल देवता एक देवता उसकी पूजा करने को कहा तो यहां पर थोड़ा सा क्रक्स आपको मैं देता हूं स्टार्टिंग में जर्मन प्रचारकों के कारण ईसाई बन गए हिंदू धर्म की विचारधारा को भी थोड़ा थोड़ा मानते ही थे तीसरा पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म को इन्होंने स्वीकार किया क्योंकि ईसाइयत में इनकी जो है आत्मिपाशा जो अंदर से आती है में, फिर बाद में क्या हुआ? कि उन्होंने अपना ही एक संप्रदाय का प्रचलन कर लिया और उस संप्रदाय में उन्होंने कहा कि भाई आप जो लोग हैं वो देवी देवता की जगह ढेर सारे देवी देवता की जगह एक देवता की पूजा करें ठीक है और आपको पता है कि लोग उनको साक्षात ईश्वर मानते थे ठीक है मुंडा के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसको हम क्या कहते हैं उल गुलान उल मतलब होता है उल गुलान मतलब होता है महान क्रांति महान क्रांति तीन मार्च 1900, को सन 1900 में विरसा को पकड़ लिया गया तो बिरसा को कब पकड़ा गया तीन मार्च उनिस्वों. तीन मार्च उन्नीसो उन्नीस सौ उन्नीस सौ को और जेल में हैजा हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई तो हैजे के कारण उनकी मृत्यु हुई उनका जन्मदिन और भगवान की दया से मेरा जन्मदिन का जो तिथि है हालांकि हम उनके नाखून के बराबर भी नहीं है लेकिन जो उनकी तिथि है वो हमारी और उनकी सेम है पंद्रह नवंबर तो आप लोग जो है पंद्रह नवंबर को गिफ्ट तैयार रखिएगा मेरे लिए ठीक है तो पंद्रह नवंबर उनका भी है पंद्रह नवंबर मेरा भी है हालांकि पंद्रह नवंबर उनका अठारह है उन्नीस में उनको पकड़ लिया गया और जेल में ही हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई तो ये क्या है ये जो है समानता है मेरे और उनमें इसीलिए झारखंड विभाजन जब हुआ तो उसमें जो तिथि चूज किया गया तारीख मतलब वो पंद्रह नवंबर लिया गया पंद्रह नवंबर सन 2000 को झारखंड और बिहार अलग हुए थे तो इसीलिए लिया गया ठीक है, क्लियर है अब इनको क्या कहा जाता था धरती अब्बा धरती अब्बा का मतलब है कि ये धरती पे जो प्रवेश लिए हैं उस प्रवेश के पीछे का कारण यह है कि इनका कार्य लोगों का कल्याण करना है ठीक है लोगों का कल्याण करना इनका कार्य है इसलिए इनको धरती अब्बा कहा जाता था लोग उनको साक्षात ईश्वर का अवतार भी मानते थे बिरसा तो मुंडा से संबंधित इतनी सारी बातें जो है वो ध्यान में रखनी है इससे कहीं से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ यहां पर देख लीजिएगा ये हैं का है कर गया है भाई हाँ पीपीटी ज्यादा बड़ा हो गया क्या चलिए क्वेश्चन नंबर था भाई उस क्षेत्र की पहचान करे जहां संथालों ने संथालों का भी नाम सुना होगा आपने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी पैरेलल गवर्नमेंट जैसे तालिबान लोगों ने बनाया ना अफगानिस्तान में अफगानिस्तान सरकार एक तरफ चलेगी एक तरफ हम चलेंगे आपने सुना होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में भारत में भी पैरेलल गवर्नमेंट बना दी गई ठीक है तो ये पूछ रहा है कि अपनी सरकार की घोषणा संथालों ने कहा कर दी ठीक है अब देखिए यहां पर ना ये जो विरसा मुंडा है संथाल विद्रोह है ये जितनी भी जनजातीय विद्रोह है इसके पीछे का कुछ कारण था तो कुछ क्रक्स आपको बता दूंगा लिख लेना उसको ठीक है आगे इसको समझिए तो ये कहां है ये तो सिंपल आंसर है इसका कहां पर था भाई भागलपुर राजमहल क्या नाम है इसका भागलपुर राजमहल तो चौथे नंबर का करेक्ट आंसर है भागलपुर राजमहल आपको सबसे पहले यहां पर मन में यह सवाल आएगा कि सर एक बात बताइए संथाल विद्रोह कब हुआ यह भी तो पूछ सकता है तो उसका तिथि जो है सवाल में ही दिया हुआ है संथाल विद्रोह हुआ कब अठारह 56 में एक चीज तो यह ध्यान रखना है ठीक है किसके विरुद्ध हुआ तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अब जो ब्रिटिश की नीतियां थी इस पर बात करेंगे कि क्या दिक्कतें थी लोगों को जो जनजाति थे उनको क्या दिक्कत थी इस पर बात करेंगे जनजाति लोग अपने में बेचारा मगन रहते हैं अब उन पर अगर आप उनके जीवन में हस्तक्षेप करेंगे तो आपको तो कुटाई लगेगा ठीक है अब देखिए इनकी शिकायत मुख्य तौर पर क्या थी इनकी शिकायत थी कि भाई कुछ जो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं वो उनके इलाके में बस गए हैं और उनका शोषण करते हैं अंग्रेज से जब ये बोलने जाते हैं कि भाई मेरा शोषण कर रहे हैं तो अंग्रेज जो है वो उन्हीं लोगों का पक्ष लेते हैं और जो वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं उनको बांग्ला जिसको समझ में आता है उनके लिए शब्द है एक भौद्रोलोक भौद्रोलोक का मतलब होता है अच्छे लोग सिविलाइज्ड पीपल तो इनकी शिकायत यही थी कि भद्र लोक जो है मतलब अच्छे लोग वो हमारे क्षेत्र में आ गए हैं और हमारा शोषण करते हैं तो यही लोग हैं अच्छे लोग लेकिन ये शोषण करते हैं अब इस शिकायत को लेकर वो अंग्रेजों के पास जाते थे और अंग्रेज कहते थे क्या कि भाई अंग्रेज कहते थे ये लोग सही है तुम लोग है मूर्ख तो अंग्रेज भी इसका पक्ष ले लेते थे ठीक है अब अंग्रेज जब इनका पक्ष ले लेते थे तो इसी के विरुद्ध में इन्हीं भौद्रो लोग के विरुद्ध में जिनको आप दीकू भी कहते हैं दीकू आदिवासी लोग इनको दीकू कहते हैं दीकू मतलब होता है बाहरी लोग ठीक है भौद्रो लोग या फिर दीकू आदिवासियों की तरफ से जो सेंटेंस है वो दीकू है दीकू शब्द भी आपसे कभी पूछ सकता है तो यहां पर कह रहा है कि जो दीकू है वो हमें सताते हैं भाई जी अंग्रेजों के पास ये जाते हैं माई बाप हमको सता रहा है अंग्रेज कहता है, नहीं ये लोग तो ठीक है तुम ही मूर्ख है तो इसी के चलते अब इतना शोषण अगर कर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध की आग तो फूटेगी इसीलिए क्या हुआ सिद्धो खानो ये नाम ध्यान रखिएगा सिद्धो खानो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं इसको एकदम नोट कर लो एकदम छाप लो कॉपी में कॉपी में एकदम इसकी छपाई हो जानी चाहिए सिद्धो कानों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और फिर उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि भैया हम इनका विरोध करेंगे और हम अपनी स्वतंत्र जो सरकार है उसको स्थापित करेंगे और वही स्वतंत्र सरकार भागलपुर और राजमहल में इन लोगों ने बनाई थी क्लियर है और भागलपुर राजमहल में जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी उसको पूरे तरीके से इन लोगों ने ठप मार दिया वहां की संचार व्यवस्था को ठप कर दिया क्लियर आ रहा है बात समझ में आ रहा है मामला किसको किसको बुझा रहा है सबको बुझा रहा है कल्पना कुमारी ज्योति सिंह सुनील कुमार मधु झा स्टडी विथ शुभम सभी को प्रणाम है मेरा तहे दिल से सुख्रिया है आप लोगों का कितना हम खुश नसीब हैं कि आप लोग आज है प्रणाम प्रणाम आज आप लोगों ने इस व्यक्ति की बात सुनी है ये व्यक्ति आज इस मंच से शपथ लेता है कि आप लोग जितने लोग हैं सबको सफलता की सीढ़ी तक हम पहुंचाएंगे अंतिम सांस तक अपनी अंतिम सांस तक और आपकी आखिरी आस तक हम आपके साथ बने रहेंगे आप हमारे साथ रहे हैं हम आपके साथ रहेंगे चाहे वो किसी भी कीमत पर मुझे आपके साथ रहना पड़े हम आपके साथ जरूर रहेंगे तो चाहे कुछ भी करना पड़े चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े चाहे मेरे गले से आवाज निकले ना निकले लेकिन ट्रस्ट मी जब 102 फीवर भी था उस दिन भी आपका क्लास लिया हूँ पेड क्लास ये आपको पता है कि एक भी दिन मिस नहीं किया 102 सौ दो एक सौ ढाई फीवर में भी एक सौ डेढ़ फीवर में भी आपका क्लास मैंने सुबह वाला लिया है तो आपके लिए जी जान लगा देंगे आपके लिए जितनी भी शरीर में ताकत है उस शरीर के ताकत का एक एक जो खून है वो आपको देंगे आपका सिलेक्शन हो आपकी माँ बाप जो हैं वो जिस आंखों में अपना सपना लिए हैं कि बेटा एस बनेगा तो डेफिनेट तौर पर बेटा एस बनेगा और आकर हमें मिठाई खिलाएगा और विश्वास मानो उससे बड़ा खुशी और उससे बड़ा पैसा दुनिया में ना मुझे पाना है और ना मेरी इच्छा है वो सबसे बड़ा पैसा होगा मेरे लिए तो आप सभी को सफलता की सीढ़ी तक लेकर जाएंगे यह आप लोगों से आज यहां पर वादा करते हैं और विश्वास करिएगा सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी जिस दिन आप देने जाएंगे उस दिन आपको क्लास से सवाल मिलेगा यह मेरा आपसे वादा है आज तक भी मिला है आगे भी मिलेगा सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी में बिहार जी के पहले करंट भी था मेरा अब मैम करंट पढ़ाती हैं तो मैम का करंट अफेयर्स सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी का बिहार जी के सब कुछ इकोनॉमी ये आपका क्लियर हम करवाएंगे चाहे उसके लिए जान क्यों ना देना पड़े और आपका एक भी सवाल मेरे साइड से गलत नहीं होगा यह मेरा आपसे वादा है ठीक है ये मेरा आपसे वादा है बस आप हमारे साथ बने रहें समझ गए आप चलो ये फिर से उसी टाइप का सवाल है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होने किया था ये क्या है ये थोड़ा सा देखिएगा ये भी बीपीएससी देख रहे हैं बीपीएससी में घुमा फिरा के इस प्रकार का सवाल जो है आपसे पूछा गया है इसका आंसर तो हम आपसे ही उत्तर करेंगे जी हम भी बिहार के लाल हैं हम बानी भैया बिहार के चलिए आइए बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था अरे भैया ये तो आप लोग ऐसे ही बता देंगे इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है तो इसमें काहिल दिमाग लगाया जाए क्या फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण तो इसमें तो आपको बता ही दिया हूं तो बार बार इसको क्या ही बताना है कहने का मतलब है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है एक सवाल है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई यहां दो में कंफ्यूजन मत हो जाए ठीक है जयप्रकाश नारायण को तो देखिएगा यहां पर एक है लोकमान्य वो तो बाल गंगाधर तिलक को मिला लोकमान्य ठीक है और एक क्या है एक जो है वो है लोकनायक तो लोकनायक थे जयप्रकाश नारायण पटना हवाई अड्डे का नाम भी तो यही है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा ठीक है अब बात ये नहीं है कि उनको कौन सी उपाधि मिली बात यह है कि थोड़ा सा हम लोग जेपी जी के बारे में जान देते हैं बहुत सम्मान्य नेता हैं देखिए इनका जन्म कब हुआ था इस महान विभूति का 11 अक्टूबर 1902 को ठीक है इनके मृत्यु कब हुई 8 अक्टूबर उन्नीस को ठीक है तो अक्टूबर 1902 और अक्टूबर उन्नीस सौ में जब भारत छोड़ो आंदोलन था तो उस दौरान वह हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे याद है 1942 में हजारीबाग जेल से वो फरार हो गए थे ये भी ध्यान रखिएगा हजारीबाग जेल से ठीक है ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसको ध्यान में रखिएगा क्लियर है इसके बाद नेपाल जाकर उन्होंने आजाद दस्ते का गठन किया था किसका गठन किया था आजाद दस्ता तो इसके बाद वो नेपाल गए और नेपाल जाकर किस चीज का गठन किया भाई आजाद दस्ता तो आजाद दस्ता का संबंध किससे है सवाल अगर पूछे तो क्या बताएंगे नाम जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण ये तो आजाद दस्ता का हो गया अब ये लोग क्या करते थे आजाद दस्ता का गठन करके मतलब एक तरह से मंडली का गठन कर दिया कि भाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और छापामार युद्ध करते थे ये लोग ठीक है छापामार युद्ध इसके बाद क्या हुआ <coughs> कि एक संपूर्ण क्रांति आप सुने होंगे ठीक है संपूर्ण क्रांति तो संपूर्ण क्रांति का संबंध भी इन्हीं से है क्या था यह मामला पांच जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में इंदिरा गांधी को हटाने के लिए ध्यान रखिएगा पटना के गांधी मैदान में इंदिरा गांधी को हटाने के लिए ठीक है इंदिरा गांधी को हटाने के लिए पांच जून 1974 को डेट भी ध्यान रखिएगा पांच जून 1974 को इंदिरा गांधी को हटाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया संपूर्ण क्रांति ठीक है उन्नीस में उनकी मृत्यु हो गई अब ध्यान दीजिए यहां पर एक चीज महत्वपूर्ण है उन्नीस में जो है वो मृत्यु हुई और 1999 में यानी मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया किसके लिए किस क्षेत्र के लिए दिया गया तो समाज सेवा के लिए समाज सेवा के लिए समाज सेवा के लिए एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि एक मैगसे पुरस्कार होता है मैक्से पुरस्कार नाम सुने होंगे आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या जयप्रकाश नारायण जी को मैक्से पुरस्कार मिला था यह आपको कमेंट करना है ये क्या जयप्रकाश नारायण जी को मैक्से पुरस्कार मिला था तो यहां क्या है इंदिरा गांधी को हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया अब यहां पर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि इंदिरा गांधी जी ने भी एक नारा दिया था वो किस चीज के लिए दिया था तो वो दिया था गरीबी हटाओ का नारा किसका नारा दिया था गरीबी हटाओ इलेक्शन कैंपेन में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था ये आपने पढ़ा होगा तो वो अलग चीज है ये इंदिरा गांधी को हटाने के लिए ही इन्होंने नारा दिया क्या है संपूर्ण क्रांति संपूर्ण क्रांति क्लियर है तो यहां से अगर कोई सवाल पूछे तो आप उसको क्लियर बताएंगे कुछ कुछ बातों को ध्यान में भी रखेंगे जैसे कौन कौन से प्रमुख बातें हैं जिसको ध्यान में रखिएगा एक इनका जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 इनकी मृत्यु कब हुई 8 अक्टूबर इनको लोकनायक नाम से भी जाना जाता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वह हजारीबाग जेल से फरार हो गए नेपाल चले गए आजाद दस्ता का गठन किया आजाद दस्ता जो है वो छापामार युद्ध करती थी उन्नीस में पांच जून उन्नीस को पटना के गांधी मैदान में इंदिरा गांधी को हटाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया उन्नीस सौ निन्यानवे में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न का जो है अवार्ड मिला है यह पूरी बात ध्यान में रखिए इसके अलावा यहां से क्या ही पूछेगा बिहार, में स... बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे यह बताइए क्या इस सेशन को वीकली कंडक्ट कराया जाए बताइए भाई आप लोग पोल का भी आंसर देते रहिए हमारी टीम आपके लिए लगातार सक्रिय है भाई तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है क्या इस सेशन को इसके लिए भी कराया जाए बताइए बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे अब देखिए संविधान सभा का नाम क्या है काम क्या था संविधान निर्मात सभा यानी संविधान बनाने वाली सभा ही संविधान सभा थी अब कितनी गर्व की बात है कि सवाल पूछ रहा है कि भाई बिहार से इसमें कौन व्यक्ति शामिल थे कितनी अच्छी बात है आप बताइए इसमें कौन कौन जो है वह शामिल थे ठीक है <coughs> बिहार से कितने थे लगभग छत्तीस सदस्य थे भाई छत्तीस सदस्य बिहार से लगभग कितने थे छत्तीस सदस्य पहला क्या है ए एन सिन्हा लिखा है एस एन सिन्हा है ये सचिदानंद सिन्हा ठीक है सचिदानंद सिन्हा है पहला दूसरा जो आपको पता है जो सचिदानंद सिन्हा भी जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो सचिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष पहले जो है वो थे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को और 11 दिसंबर 1946 को कौन बन गए थे इसके अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ठीक है राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बन गए थे राजेंद्र प्रसाद भी आप जानते हैं हमारे इधर से ही हैं मतलब बिहार से ही हैं उसके अलावा 36 अन्य लोग थे जिसमें तो दो ऑप्शन तो पहले ही सही है ये वाला और ये वाला तो वैसे भी आंसर जो है वो एक से अधिक हो जाएगा ऐसे 36 अन्य सदस्य थे जिसमें कौन कौन है जगजीवन राम भी हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा भी हैं श्याम नंदन सहाय भी हैं ठीक है थीके? तो तीन महत्वपूर्ण लोगों का नाम ध्यान रख लीजिए कौन कौन है भाई जगजीवन राम तो जगजीवन राम तो ऑप्शन में भी है अनुग्रह नारायण सिन्हा एन सिन्हा स्याम नंदन सहाय नंदन सहाय ये लोग भी जो हैं, वो क्या हैं? ये लोग भी जो है वो, वो भारत बिहार भा, से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे ठीक है तो पहला जो मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का कार्य क्या था संविधान निर्मात्री सभा है संविधान सभा का, का काम संविधान किया का निर्माण करना था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे और बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने 11 तारीख को दो दिन बाद ठीक है और वो भी पटना से ही मतलब बिहार से ही हैं और उसके अलावा जो अन्य 36 अन्य सदस्य थे उसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा राजेंद्र प्रसाद जगजीवन राम श्याम नंदन सहाय सचिदानंद सिन्हा ये सब सब हैं क्लियर है चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं अगला सवाल क्या है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं यह तो बहुत बढ़िया सवाल है भाई उन्नीस में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व तो किसने किया उन्नीस में गठित यहां ध्यान देना इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा उन्नीस में गठित यहां पर बहुत बार क्या होता है कि जो है लोग कृष्ण सिंह मारते हैं कृष्ण सिंह इसमें सही आंसर नहीं है बताइए 1937 में गठित बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व तो किसने किया है मोहम्मद यूनुस ने क्या नाम है मोहम्मद यूनुस अब इसमें जो है आपको थोड़ी थोड़ी बातें जाननी है देखिएगा ये जो है 1937 में गठित हुई कब से कब तक तो एक चार उन्नीस मतलब एक अप्रैल 1937 से लेकर सातवें महीने तक यानी उन्नीस सात उन्नीस तक ये गठित हुई मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले प्रधानमंत्री जो मतलब वहां पहले क्या था बिहार में प्रधानमंत्री बने जाते थे तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ही बने 1937 में ठीक है उन्हें 1937 में मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी के प्रतीक के रूप में चुना गया था तो मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी के प्रतीक के रूप में वो चुने गए थे ठीक है ये ध्यान रखिएगा कब 1937 में चुने गए थे ठीक है और जो ये मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी थी बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी और इसका बाद में जो है वो मुस्लिम लीग में ये मिल गई थी तो यहां ध्यान रखिए मोहम्मद यूनिस उन्नीस बिहार के पहले प्रधानमंत्री मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी के प्रतीक के तौर पर इनको चुना गया था यही पार्टी बाद में जाकर मुस्लिम लीग में मिल गई ठीक है ये तो आपका क्लियर हो गया थोड़ा सा मोहम्मद यूनुस के बारे में अगर आप जानिएगा तो उन्नीस में मोहम्मद में साहब ने 1924 में क्या किया 1924 में साप्ताहिक सत्संग टाइम्स, क्या नाम है? सत्संग टाइम्स यानी वीकली था अंग्रेजी पत्रिका सत्संग टाइम्स आधा नाम हिंदी लग रहा है आधा नाम अंग्रेजी लग रहा है तो सत्संग टाइम्स को भी साप्ताहिक तौर पर यूनुस साहब ने ही प्रचारित जो है वो उसका प्रसारण किया था साप्ताहिक सतसंग टाइम्स क्लियर है उसके बाद अब इसके बाद जो है मंत्रिमंडल का नेतृत्व तो किसने किया सौ सैतीस तो से उन्नीस सौ उनचालीस तक नेतृत्व उन, मतलब तो किया श्री कृष्ण सिंह ने तो पहले मोहम्मद यूनिस थे मोहम्मद यूनिस के बाद जो बने वो बने श्री कृष्ण सिंह तो उसके बाद बने मतलब ये उन्नीस सात से हैं तो वो बीस सात से बने हैं और उसके बाद इकतीस दस उन्नीस तक है उसके बाद विश्व युद्ध के कारण जो भाग लेता है तो फिर यहां पर आपको पता है कि मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देती है ठीक है क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा है उन्नीस से उन्नीस का समय है और उस कारण से ही यहां पर जो है इस्तीफा लोग दे देते हैं क्लियर है किसको किसको बुझा रहा है किसको किसको नहीं बुझा रहा है गिर कर उठना उठकर चलना यह क्रम है संसार का कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का और यह क्रम है संसार का तो आप लोग हो क्या कर्मवीर और कर्मवीर को कहीं फर्क नहीं पड़ता है चाहे कितने लोग छोड़कर जाएं कितने लोग पास आए हमारा लक्ष्य एक है हमें माता पिता की आंखों में वो आँसू लेकर आना है जब आप अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें जब आप कहीं अगर कोई दिल्ली में रह रहा हो कोई पटना में रह रहा हो कोई भागलपुर में रह रहा हो जब घर पर ट्रेन पकड़कर जब जाए तो ये मन में मलाल न रहे कि भाई नहीं हो पाया ट्रेन में बोलते हैं ना कि ट्रेन में ही ऐसा लगे कि भाई फ्लाइट से चले जाते हैं मम्मी पापा के पास फूला नहीं समा रहे हैं तो वो भावना आपको लेकर के घर पर जानी है और वो भावना जब आप लेकर के जाएंगे देखिए इंसान खुश और इमोशनल एक समय पर होता है यूजुअली उसको खुशी भी होती है और वो इमोशनल भी होता है किस समय पर जब वो राष्ट्रगान सुन रहा होता है तो उस समय उसको खुशी भी मिलती है और वो इमोशनल भी होता है कि देश के लोगों ने कुर्बानियां दी कितने लोग शहीद हो गए और साथ में खुशी भी मिलता है कि आगे आने वाले पीढ़ियों को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया और दूसरी खुशी आपको उसी समय मिलेगी विथ इमोशंस जब आप क्लियर करेंगे तो आपको खुशी और घर वाले की आंखों में वो इमोशंस आपको देखने को मिलेगा क्लियर है चलो राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है देखिए राजेंद्र प्रसाद वगैरह जो है ना वो क्या है उनके बारे में जो मतलब अगर मैं कहूँ तो उनके बारे में से संबंधित सवाल आपसे बहुत पूछा जा सकता है ठीक है बैटरी थोड़ा सा लो हो गया था बताइए राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है बहुत आसान सवाल है किसे माना है लॉर्ड मिंटो को किसको माना है लॉर्ड मिंटो तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी लॉर्ड मिंटो सी लॉर्ड मिंटो सब सोचा होगा मोहम्मद जी ने इसीलिए ऑप्शन भी मोहम्मद जिन्ना बनाया ही हुआ है ठीक है क्यों ऐसा माना क्या कारण था इसके पीछे क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने ही आपको पता होगा मॉरले मिंटो सुधार का नाम सुना होगा आपने 1909 सुना है मॉर्ले मिंटो सुधार सुधा है तो मॉरले मिंटो सुधार 1909 में आया था और इसी मॉरले मिंटो सुधार में क्या किया था मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का का मतलब क्या होता है? निर्वाचन का मतलब क्या क्या होता होता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र है कि वहां पर जो वोट होगा ना वो केवल और केवल कौन करेंगे मुसलमान करेंगे ठीक है अब सोचिए जैसे अभी आप लोग वोटिंग करते हैं तो उस क्षेत्र में सब वोटिंग कर सकता है ना ऐसा थोड़े है कि केवल एक जाति के लोग वोट करेंगे नहीं लेकिन उस टाइम इन्होंने क्या किया कि इनके लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना कर दी तो इस कारण से ही इस कारण से ही पृथक निर्वाचन और पृथक मताधिकार पृथक जो वोटिंग राइट्स है मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र तो सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन क्षेत्र इन दोनों की जो स्थापना है मतलब इन दोनों को स्थापित किया लॉर्ड मिंटो ने और इस कारण से ही क्या माना जाने लगा क्या माना जाने लगा इनको राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनको पाकिस्तान का जन्मदाता माना लगा माना जाने लगा ठीक है तो यही जो है यह महत्वपूर्ण है अब देखिए पृथक निर्वाचन जब इकाई आएगी तो उससे क्या बैठे बैठ फैलेगा सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है कि हम ही सही हैं सांप्रदायिकता मतलब जब एक धर्म वाले लोग यह माने कि भैया हम जो बोल रहे हैं वो सही है अगर मैं ये कहूं कि मैं ही सही हूं जो हूं सो मैं ही हूं तो दो पक्ष के बीच में भी लड़ाई हो जाती है सोना बाबू है सोना का अगर कहेगा कि हमेशा हम ही सही हैं तो रोज़ व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो जाएगा सोना अगर कहेगा तुम सही हो हम नहीं है तो खूब खुशी रहेगा लेकिन फिर सोना ब्लॉक कर देगा इधर से तो सोना बाबू में भी दिक्कत है भैया दोनों सही हैं कुल मिलाकर चलना पड़ेगा तो उसी प्रकार से जब धर्म में भी अगर धर्म के लोग यह मानने लगेंगे हम ही सही हैं हमारा ही बात सत्य है जो कह रहे हैं हम ही सही हैं तो फिर उस समय क्या होगा उस समय होगा संघर्ष और उसी संघर्ष से सांप्रदायिकता जन्म जन्म लेती है तो यही यहां पर है कि भाई सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा आप एक एक अलग से विशेष जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कर देंगे तो इससे तो भाई सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा उस क्षेत्र में दूसरा आदमी जा ही नहीं सकता लड़ने के लिए उस क्षेत्र में दूसरा आदमी वोटें नहीं कर सकता ठीक है अब इसके बाद देखिए उन्नीस में उन्नीस में आपने सुना होगा इसी संबंध इसी सवाल से संबंधित है एक शायर है कवि है जिनको आप कहते हैं मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इकबाल ने किस चीज का नारा दिया था किस चीज का बात कहा था इन्होंने सिद्धांत टू स्टेट थ्योरी द्वि राष्ट्र सिद्धांत याद रखिएगा 1930 में कवि है क्या नाम है मोहम्मद इकबाल उन्होंने द्वि राष्ट्र सिद्धांत दिया था लेकिन सामान्य तौर पर पाकिस्तान का जन्मदाता हम किसको मानते हैं इनको लेकिन राज, राजेंद्र प्रसाद जी मानते थे जो जड़ था जड़ कौन था तो जड़ थे आपके लॉर्ड मिंटो साहब ठीक है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकरण कब किया गया ये तो बड़ा अच्छा सवाल है रे भाई ठीक है बताइए पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया बड़ा बढ़िया सवाल है गांधी मैदान जान रहे हैं पटना का एक प्रमुख मैदान है ठीक है इसका 1948 से पहले जो नाम था वो क्या था इस गांधी मैदान का नाम क्या था पटना लॉन ठीक है पटना लॉन जो है इसका नाम था कब उन्नीस 48 से पहले पटना लॉन ठीक है पटना लॉन अब देखिए यह महत्वपूर्ण क्यों है किस लिए महत्वपूर्ण है इसको थोड़ा सबसे सब पहले समझना है फिर आंसर पे तो हम बात कर ही लेंगे आंसर तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर उसी समय हुआ था ये ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मैंने बोला ना 1948 के पहले इसको पटना लॉन के ही नाम से जाना जाता है ये महत्वपूर्ण क्यों है थोड़ा सा समझिएगा क्या है इसके पीछे का कारण क्या है ठीक है अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक डाउट है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा बाद में पहले थोड़ा सा समझिए आगे देखिए जो भारत का पहला जो सत्याग्रह जो गांधी जी ने शुरू किया था वो कौन सा था चंपारण सत्याग्रह ठीक है तो चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह और इस चंपारण सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं तो चंपारण सत्याग्रह की जो विशाल जनसभा है वो इसी मैदान में आयोजित हुई थी 1918 में जो चंपारण सत्याग्रह की विशाल जनसभा 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी ठीक है 2013 में यहां जो है स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई यहीं पर तो इसी गांधी मैदान में 2013 में आ जाइए अब यह 1918 में विशाल जनसभा हुई अब उसको यादगार बनाने के लिए उन्नीस की बात है यहीं पर 70 मीटर की प्रतिमा महात्मा गांधी की स्थापित हुई इसी जगह पर कहा जाता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात पटना लोन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था तो कहा क्या जाता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी किसी को डेट याद है तीस जनवरी उन्नीस इसी के पश्चात जो है कहा जाता है कि भाई गांधी मैदान का नाम बन हो गया पटना लॉन से लेकिन आयोग यहां पर ध्यान दीजिएगा आयोग को जो आंसर है वो मानना चाहिए था उपरोक्त में से कोई नहीं ठीक है मानना यह चाहिए था लेकिन आयोग ने क्या माना था आयोग ने माना था भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर आयोग उन्नीस मान ले रहा है ठीक है लेकिन होना ये चाहिए था क्योंकि हुआ कब इसका नाम 30 जनवरी 1948 के पश्चात इसका नाम पटना लॉन हुआ है ठीक है लेकिन आयोग ने उन्नीस में मान लिया क्लियर है तो आयोग डी माना होना आंसर ई चाहिए था लेकिन आयोग जो बोले भाई वो सही है मतलब डी मतलब आयोग जो है वो सी मान लिया है होना ई चाहिए था ई आयोग सी मान लिया है लेकिन होना ई चाहिए था क्लियर है किकरा, किकरा बुझा रहा लो नया बुझा रहा लो चलो अगला सवाल पे आ जाओ उन्नीस सौ पंचानवे की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी तो उन्नीस सौ पंचानवे की समाप्ति पर सवाल उन्नीस सौ पंचानवे की समाप्ति पर है ठीक है तो देखो उन्नीस सौ पंचानवे की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या पचपन थी अब आप कहोगे सर पचपन कैसे कैसे हुआ तो उन्नीस सौ इक्यावन में उन्नीस सौ इक्यावन में कितने जो बाढ़ देखिए उन्नीस में बिहार में कुल 18 जिले जैसे ही थे लेकिन बाद में स्टार्टिंग में 18 जिले थे लेकिन बाद में ये बढ़कर कितने हो गए 33 जिले फिर जो है उन्नीस में ये कितने बन गए 55 जिले ऐसे चला है फ्लो ठीक है लेकिन 15 जन 15 नवंबर जो आपको डेट ऑफ बर्थ बताया था पंद्रह नवंबर दो के बाद जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय क्या हुआ यहां पर जो पचपन जिले हैं इसमें से पंद्रह अट्ठारह जिले सॉरी अठारह जिले जो है वो कहां चले गए झारखंड में तो बिहार में कितने बच गए सैतीस जिला ठीक है लेकिन उसके बाद फिर 2001 में आ जाओ ये 2000 में हुआ था 2001 में एक जिला और बढ़ गया क्या बढ़ गया अरवल अरवल जो है वो अड़तीसवां जिला है जहानाबाद जिले से अलग करके हमने क्या बना दिया अरवल जिला को तो कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई अड़तीस लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है उन्नीस में कितना था तो पचपन में पचपन था झारखंड के विभाजन से पूर्व पचपन था सीधा सीधी कहूं तो अठारह जिले झारखंड विभाजन के बाद झारखंड में चले गए 37 बचा लास्ट जिला अरबल हो गया जो कि जहानाबाद से अलग किया गया था ठीक है तो यह ध्यान में रखना है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था किसके द्वारा बहुत बढ़िया सवाल है भाई बताइए पटना को भारतीय राजधानी जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था ये तो आसान सवाल है लो आप लोग बना ही देंगे बताइए चलिए तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट आंसर विल बी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर विल बी शेरशाह ठीक है तो पटना को भारतीय पटना को भारतीय जो है वो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया अब थोड़ा सा समझना है देखिएगा ये जानकारी कैसे मिलती है ऐसा तो नहीं है कि हवा में जानकारी दे दीजिएगा तो जानकारी मिलती कैसी है तारीखे दाऊदी क्या है तारीखे दाऊदी तारीखे दाऊदी के विवरण के अनुसार क्या हुआ शेर शाह ने पटना का जब महत्व तो जाना सोचा यार सिक्योरिटी पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है नदियां हैं तो पटना का जब महत्व तो जाना कि सामरिक महत्व तो भी है संसाधनों से भी भरी परिपूर्ण जगह है भौगोलिक महत्व तो भी है ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी है इसका तो 1541 सो ईस्वी में यहां पर शेर शाह ने तारीखे दाऊदी बता रहा है पंद्रह सौ ईस्वी में शेरसाह ने यहां पर एक मजबूत किले का निर्माण किया और बिहार की राजधानी किसको बना दिया बिहार राज्य की राजधानी पटना को बना दिया पटना का जो है प्राचीन नाम आपको पता है क्या है पाटलिपुत्र जानते हैं आप पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था पाटलिपुत्र को उदयन ने राजधानी इसने बनाया था बसाया किसने था शत्रु ने ध्यान दीजिएगा यह आपको कोई नहीं बताता है जैसे अगर कोई आप लोग पूरा निकम्मा है दिन रात व्हाट्सएप पे लगा रहता है तो जीवन में एक ही काम है उसका व्हाट्सएप पे लगा रहना उसी प्रकार से उदयन बेचारे का जीवन में एक ही काम था एक ही काम बढ़िया किया है और आपके लिए खूब बढ़िया है एक ही फैक्ट आपको याद रखना है इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया लेकिन इसको बसाने का काम किसने किया था अजात शत्रु ने जातु ने ठीक है लिच्छवियों के साथ लंबा संघर्ष चल रहा था वैशाली के लिच्छवियों के साथ सत्रु का तो उसी उपलक्ष्य में इन्होंने गंगा एवं सोन नदियों के किनारे किला का निर्माण कराया था वही बाद में पाटलिपुत्र जाना जाने लगा तो अजात शत्रु ने यह किया था ठीक है और इसको राजधानी उदयन ने बनाया था यह आप ध्यान में रहिएगा पाटलिपुत्र जो है वो मगध की भी राजधानी रही वंश की भी राजधानी रही और मौर्यों की भी राजधानी रही तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र जो है वो मगध की भी राजधानी रही नंदवंश की भी राजधानी रही और मौर्यों की भी राजधानी रही तो पाटलिपुत्र का अपना एक इम्पोर्टेंस है ठीक है पाटलिपुत्र का मगध की राजधानी हालांकि उदयन से पहले तो राजगृह थी ग्रीवरज लेकिन उदयन के बाद पाटलिपुत्र हो गई नंदों की भी रही और फिर मौर्यों की भी रही ठीक है तो ये सब जो बात है कि शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया ये तारीखे दाऊदी में विवरण में लिखा है कि इंपॉर्टेंस जाना और फिर उसने इसे बिहार राज्य की राजधानी बना दी निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था तो कौन सा ऐसा नगर है जिसमें जापानियों ने विश्व शांति स्तूप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि ये जो जगह है ना ये ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर जो है नालंदा जो जगह है वैसे भी ऐतिहासिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण जगहों में से एक है बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह का अभी आपको बताया कि मौर्य जो ये मगध की राजधानी थी स्टार्टिंग में मगध की राजधानी स्टार्टिंग में राजगीर ही थी ग्रीव्रज पहाड़ियों से छिड़ा हुआ घेत्र मतलब घिरा हुआ क्षेत्र है और देखिएगा तो यह नालंदा में है तो राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर कहां पर रत्नागिरी पर्वत तो राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था और इसकी योजना किसने बनाई थी तो जापान का एक बौद्ध भिक्षु है क्या नाम है नाम बड़ा डिफिकल्ट है निचिदातु निचिदात्सु निचिदात्सु नौ है निचिदात्सु जापान नाम ही बड़ा डिफिकल्ट है निचिदात्सु फुजी फुजी ये किए थे ठीक है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इसका दूसरा नाम क्या है पीस पैगोड़ा पीस मतलब शांति वाला पीस पीस पैगोड़ा पीस पैगोड़ा पीस पैगोड़ा ठीक है क्लियर है तो यहां पर जो है इस शांति स्तूप में प्रत्येक वर्ष समारोह का भी आयोजन करवाया जाता है जापान बौद्ध संघ के सहयोग से ये ध्यान रखिएगा क्लियर है दीपेंद्र कुमारी क्या ये मार एकदम अनार और जूस पिला रहे हैं हमको भैया इनकी जो दिल की धड़कन जो तेज हो गई है इनको शांत करिए पूरा बेचारे बेचैन हो गए हैं थोड़ी दिल की धड़कन इनकी तेज हो गई है लगे हैं एक ही कमेंट पे एकदम बात चल रही है पटना उच्च न्यायालय अभी आएगा सवाल में शायद बात चल रही है कहीं कि जा रहे हैं कहीं ये है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई कमेंट भर देगा ये ये मेरे दीपेंद्र भाई धैर्य रख ले दीपेंद्र केवट हम जैसे दिन दुखियों को थोड़ा सा देख ले भाई दया कर हम पर हम बालक हैं नादान हमें माफ कर दे भाई काहे पगला गया है अगल बगल वाले को भी पगला रहा है माफ़ कर दे मेरे बड़े भाई दीपेंद्र भाई माफ कर दे भाई नहीं है जानकारी दीपेंद्र भाई तुम क्या पूछ रहा है भगवान मालिक है नहीं है जानकारी दीपेंद्र भाई माफ़ कर दे बड़े, बड़े भाई जान बख्श दे जान वो मेरे जान मेरा जान बख्श दे प्लीज चलो आओ पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी ये बताइए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई ये कब कौन बताएगा आसान सवाल है इसका तो आंसर आसान तरीके से ही आप दे दीजिएगा बताइए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी अब कल से सोच रहा हूं ना मैं पता है क्या कि जब यहां आऊं ना तो जो ये कुछ कुछ लोग हैं उनके लिए मैं यहां पर ना मच्छर मारने वाला मच्छर मारने वाला जो यंत्र नहीं होता काला हीट वो भी लेकर आऊंगा और कमरवे से ही काला हीट मारेंगे यहीं से कल से मैं प्लानिंग कर रहा हूं जो भी लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं ना, तो हम यहीं से काला हिट मारेंगे चलिए, चलिए, समझे? देखिए, हुआ क्या था? 1912 में, आपको पता है, बंगाल से अलग करके क्या बनाया गया बिहार और उस समय बिहार सहित उड़ीसा भी था ठीक है बिहार सहित उड़ीसा था इसके चार वर्ष बाद तीन फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई अब इसमें आपसे यह पूछ सकता है कि भाई इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो इनका नाम थोड़ा सा एक बार बहुत बड़ा है थोड़ा सा देख लीजिए भाई इनका नाम जो है थोड़ा सा बहुत बड़ा है सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैमियर अब जो है थोड़ा सा भी ध्यान में रखिएगा तो काम हो जाएगा मुंह जो है लपलपा जाता है बोलने में तो मुंह को नहीं लपलापवाना है क्या करना है आंसर जो है वो यहां पर आपका ध्यान रखना है अरे बाप रे बाप अठारह के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का यानी सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ रिबिलियन यानी कैसे कैसे जो है किन किन नगरों में पहले हुआ उसके बाद किस में हुआ उसके बाद किसमें हुआ बताइए ये कौन बताएगा इसमें तो थोड़ा सा समय लगेगा आप लोगों को हालांकि ये बताएगा कौन कौन बताएगा भैया हट जाए साइड हो जाए चलो साइड हो गए ये तो हमको लगता है ना कि आप लोग को ना बढ़िया सवाल ये मिला है ये तो होमवर्क का सवाल आप लोग का होना चाहिए इसको जो है ना एकदम ईमानदारी के साथ आप लोगों को बनाना चाहिए बताइए चलिए बहुत लोग सही भी आंसर दे रहा है क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन रोहिणी पटना मुजफ्फरपुर जगदीशपुर जो जो बी नंबर दिया है ये इसको स्किप करोगे बहुत बढ़िया पे करने में बनेगा तो क्या हो जाएगा B, करेक्ट आंसर इसका बी रोहिणी पटना मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है जगदीशपुर विल बी द करेक्ट आंसर अब देखिए पटना में विरोध कब हुआ था कौन बताएगा सबसे पहले तो रोहिणी में हुआ था तो वैसे भी है लेकिन इसमें डी और ई ऑप्शन भी होता है ठीक है तो सात से बारह जून अठारह कब से कब तक से बारह जून जून में हुआ रोहिणी में ठीक है अठारह सो का विद्रोह देवघर के रोहिणी गांव में यह आपको पता है तीन जुलाई तीन जुलाई को पीर अली के नेतृत्व में कहा हुआ पटना में तीन जुलाई मतलब यह जून में हुआ और पटना में तीन जुलाई को हुआ पच्चीस जुलाई को कहा हुआ मुजफ्फरपुर में कहां पर तो पच्चीस जुलाई को मुजफ्फरपुर में तो ये आपसे क्रम पूछ रहा है इस क्रम को ध्यान रखिएगा ये आपसे क्रम पूछ रहा है ठीक है तो पच्चीस जुलाई को यहां हुआ तो तीन सात से बारह जून तीन जुलाई पच्चीस जुलाई और ये छब्बीस जुलाई को वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में कहां पर वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में आरा में एक दिन बाद ठीक है एक दिन बाद तो याद रखना है सात से बारह जून तीन जुलाई पच्चीस जुलाई और छब्बीस जुलाई क्लियर है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था तो नमक सत्याग्रह के दौरान बताइए नमक बनाने के अलावा किस कर का मलबा हाथी विकास बताओ तो किसका चुना था भाई यह हो जाए करेक्ट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं ई नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर मतलब नीचे होना चाहिए था ये ऊपर में ही आ गया है उपरोक्त में से कोई नहीं क्लियर है उपरोक्त में से कोई नहीं क्यों है उपरोक्त में से कोई नहीं भाई क्योंकि चौकीदारी कर क्या है चौकीदारी कर का विरोध करना विका विकल्प चुना था अब देखो यहाँ क्या है आपको पता है कि बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है ठीक है तो समुद्र वगैरह तो है नहीं पानी जल तो है नहीं अगल बगल तो नमक कहाँ बनाता इसीलिए इसने नमक बनाने के अलावा किस चीज़ का जो है वो विकल्प चुना चौकीदारी कर चौकीदारी कर क्या है ब्रिटिश सरकार कहती थी कि भाई तुम्हारे यहाँ खूब चोर उचक्के हैं इसीलिए तुमको सुरक्षा देना हमारा काम है तो तुमसे हम तुम्हारी चौकीदारी करेंगे और तुमसे टैक्स लेंगे तो उसी के विरोध में चौकीदारी करके विरोध में तो नमक सत्याग्रह में चौकीदारी करके विरोध में अब देखिए यहां पर क्या है ई तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा हम यहां पर आपको कुछ और बातें बताना चाहते हैं ठीक है और बातें बताएंगे और थोड़ा सा इसको मैं एलोबरेट आपके सामने करना चाहता हूं थोड़ा सा समझिएगा क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन थोड़ा सा समझिएगा सिविल डिसोबिड मूवमेंट इसका प्रस्ताव कौन लेकर आया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका प्रस्ताव जो है वो उन्नीस में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था तो अध्यक्ष कौन थे जेएल नेहरू पारित कब हुआ उन्नीस में कहां पर लाहौर में ठीक है ध्यान रहेगा ठीक है मतलब दिसंबर उन्नीस में और निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को इसी के आधार पर 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे बिहार में भी मनाया गया 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस तो निर्णय लिया गया कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे भाई और इसीलिए जब आजाद हमारा देश 15 जनवरी 15 अगस्त को हो गया आजाद तो इसीलिए 15 अगस्त को आजाद हो गए लेकिन ये दिन हमारे लिए मेमोरेबल था और इसीलिए हम लोग इस दिन को रिपब्लिक डे में चूज कर लिए तो रिपब्लिक डे में 26 जनवरी का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे तब अब आजाद हो गए 15 अगस्त को ही तो उस दिन को मेमोराइज करना पड़ेगा तो उस दिन को मेमोराइज करने के लिए हमने 26 जनवरी का तिथि चूज कर लिया तो ये तो रही नॉर्मल बात अब आते हैं गांधी जी का जो नमक तोड़ने वाला कानून जो नमक कानून तोड़ने की जो बात है उस पर बारह मार्च उन्नीस सौ तीस ध्यान रखिएगा बारह मार्च उन्नीस सौ तीस को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ध्यान रखिएगा, कहां पर साबरमती आश्रम से अठहत्तर स्वयं सेवकों के स्वयं सेवक अठहत्तर स्वयं सेवक के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की ठीक है तो इसके साथ ही दांडी यात्रा को शुरुआत की है और कब शुरुआत की है 12 मार्च को और 5 अप्रैल 1930 को यह दांडी पहुंचे हैं कितना दिन का लगभग जर्नी है 24 दिन का ठीक है 24 दिन का और 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को उन्होंने देशभर में सिविल डिसोबीडियंस शुरू करने का ऐलान कर दिया तो इसमें गांधी जी के साथ कौन थे कारो बाबू एकमात्र प्रतिनिधि थे कारो बाबू नाम क्या है कारो बाबू तो इसमें जो है गांधी जी के साथ बिहार के एकमात्र व्यक्ति हैं क्या नाम है कारो बाबू कारो बाबू का नाम पूरा नाम गिरवर गिरवर ना ऐसे लिखते हैं ना सही लिखा हुआ है ना गिरवर ग... ओके गिरिवर ऐसे लिखते हैं चलो गिरिवर धर चौधरी गिरिवर धर चौधरी हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है भाई देख लेना भाई गिरवरधर चौधरी समझ में आया कुछ बुझा लो कि ना बुझा लो बुझा लो चल तो बुझा लो तो बढ़िया ना बुझा लो तो बढ़िया श्री कृष्ण द्वारा श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नौ निर्वाचित सरकार ने फरवरी उन्नीस में किस कारण से इस्तीफा दे दिया अब जो है बहुत बहुत बढ़िया सवाल है बताइए क्लियर है 26 जनवरी 1930 को चूंकि स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाने लगे लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुआ तो उसमें यह ऐलान हुआ कि 26 जनवरी 1930 से हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो अब स्वतंत्रता हमको कब मिल गई 15 अगस्त को तो 26 जनवरी का तारीख तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था तो हमने उसको रिपब्लिक डे के लिए चूज कर लिया रेमरे मतलब बोलते हैं ना कि जिस दिन प्यार का इजहार हुआ दो लोगों के बीच तो उस दिन अगर शादी नहीं हुई तो उस दिन हर बार केक काटते हैं हम लोग कि भाई आज ही जो है हम लोगों ने प्यार का इजहार किया था तो ठीक उसी प्रकार से ठीक है तो यह आसान सवाल है क्या करेक्ट आंसर है इसका राजनैतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर ठीक है राजनैतिक बंदियों की राजनैतिक बंदियों के रिहाई के प्रश्न पर ठीक है अब देखिए क्या है 1938 में जो इन्होंने छोड़ा अब तो पहले मैंने आपको बताया कि मोहम्मद यूनुस थे मोहम्मद यूनुस ने फिर ये दे दिया इस्तीफा दे दिया तो फिर कौन आए फिर आए श्री कृष्ण सिंह ठीक है तो श्री कृष्ण सिंह ने कब से काम स्टार्ट किया था उन्होंने तो बीस तारीख को छोड़ दिया था तो बीस जुलाई से वो उन्नीस तारीख को छोड़े थे तो बीस जुलाई उन्नीस से श्री कृष्ण सिंह ने कमान संभाली थी यह भी डिस्कस किया मैंने इसके बाद क्या हुआ राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर मामला थोड़ा सा फंस गया लेकिन बाद में वायसराय ने इस बात को मान लिया और योगेंद्र शुक्ला और अन्य राजनीतिक कैदियों को उन्होंने इस्तीफा मतलब छोड़ दिया उन्नीस में वायसराय ने योगेंद्र शुक्ला और अन्य राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया लेकिन जब नहीं छोड़ा था तो 15 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था क्यों इनको छुड़वाने के फेरे में तो जब इनको छोड़ दिया तो पंद्रह फरवरी को तो इस्तीफा दे दिया था लेकिन बाद में छब्बीस फरवरी को यही बिहार के प्रधानमंत्री अभी तो इनको हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं यही बिहार के प्रधानमंत्री ने फिर से जब छोड़ने की बात सॉल्व हो गई मतलब इनको छोड़ दिया गया तो फिर से 26 तारीख को इन्होंने 26 फरवरी को फिर से अपना पदभार संभाल लिया समझ में आया बात 20 जुलाई 1937 से काम शुरू किया 15 फरवरी 1938 को छोड़ दिया क्यों बोला भैया इन राजनीतिक कैदियों को छोड़ो किसको किसको योगेंद्र शुक्ला और अन्य राजनीतिक कैदियों को वायसराय ने इनकी बात मान ली और वायसराय ने योगेंद्र शुक्ला और अन्य राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जब छोड़ दिया तो उसके बाद 26 तारीख से फिर से ही अपना काम शुरू कर दिया ठीक है ये सवाल इस बार भी आया था ये सवाल भी आया हुआ इस बार किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी किसने अब पहले होता पहले होता तो क्या करते इतना अच्छा क्वालिटी है कह रहे हैं कि क्वालिटी ये नहीं है, है। तनी सुन वीडियो ना साइड में होता है वो सेटिंग उसमें जाकर के तनी मनी क्वालिटियाँ बढ़ा लो तो काम आ जाएगा बताओ इस बार आया था बतक मिया आया था बतक मिया तो बतकमिया क्या थे भाई रसोईया क्या थे रसोइया थे और गांधी जी को जहरीला खाना जो है जो भोजन विषाक्तता होता है उस हत्या का प्रयास किया गया था जिसमें इन्होंने जान बचाई बतक मिया ने कब 1917 में जब इन पर गांधी जी पर हत्या का प्रयास हुआ भोजन विषाक्तता के माध्यम से तब इन्होंने ही जान बचाई थी और ये क्या थे तो बिहार में एक नील से रिलेटेड एक संयंत्र है फैक्ट्री है नील संयंत्र में ये काम करते थे कर्मचारी थे रसोइया थे और उन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप जानते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था 1917 में हुआ अब देखिएगा तो चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ तो चंपारण सत्याग्रह में तीन कठिया पद्धति की बात सामने आपको दिखाई पड़ेगी कि भैया तीन कट्ठे लैंड में से एक जो है मतलब कट्ठे लैंड में क्या करनी है नील की खेती तीन कठिया पद्धति ठीक है कि भैया कुछ पोर्शन में आपको नील की खेती जो है वो करनी पड़ेगी तो राज कुमार शुक्ल ने भाई गांधी जी को बुलाया कि भाई यहाँ पर जो किसान है वो काफी शोषित महसूस कर रहे हैं आप एक बार आइए नील जो नीलहू नीलहे बाबा लोग हैं मतलब नील की खेती कराने वाले जो लोग हैं वो किसानों के साथ खूब शोषण कर रहे हैं तो भाई आप यहाँ पर आइए और हमारा जो है कल्याण करिए तो उसी पे फिर गांधी जी चंपारण गए थे तो हम लोग पढ़ेंगे तो और भी इस पर बात हम लोग करेंगे ठीक है हाँ सॉरी तीन कट्ठे लैंड कह रहा हूं बीस कट्ठे लैंड में से तीन कट्ठे पर क्या करना है नील की खेती ये ये तीन कठिया पद्धति बीस कट्ठा में तीन कट्ठा ठीक है तो बीस कट्ठे में तीन कट्ठे लैंड पर क्या करनी है नील की खेती करनी है ठीक है चलिए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की तो किसके द्वारा बिहार में किसानों की अगुवाई की गई असहयोग आंदोलन के दौरान सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है ठीक है तो देखिए किसके द्वारा की गई असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग मतलब क्या है कि हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं करेंगे ठीक है सरकार सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे सरकारी ऑफिसों में नहीं जाएंगे तो सरकार के खिलाफ असहयोग करना तो इसमें जो है वह किसानों की अगुवाई किसने की स्वामी विद्यानंद ने किसने की है स्वामी विद्यानंद ने तो किसान नेता हैं स्वामी विद्यानंद और इन्होंने ही किसानों के साथ असहयोग का प्रचार प्रसार किया था तो बिहारों में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने की थी अब थोड़ा सा देखा जाए असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जो है असहयोग आंदोलन के बारे में जानिए तो असहयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुत्र सत्र नागपुर जो सत्र है उसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया नागपुर सत्र में 1920 में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया इसका प्रारंभ कब हुआ 1 अगस्त 1920 इसके नेतृत्व करता महात्मा गांधी ठीक है स्वराज प्राप्ति हमारा उद्देश्य था स्वराज प्राप्ति हमारा उद्देश्य था ठीक है अंग्रेज सरकार के साथ सहयोगी सहयोग नहीं करना है ठीक है अगर आपसे पूछे कि आंदोलन के समय वायसराय कौन था तो क्या बताइएगा आपने सुना होगा मोन्टिग्यो चेम्स तो उसी तरह से यहां पर इस समय थे चेम्स फोर्ड यह ध्यान रखिएगा ये वायसराय हैं चेम्स ठीक है और किस कारण से असहयोग हुआ था जलिया वाला बाघ हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के कारण और इस आंदोलन को वापस क्यों ले लिया गया चौरी चौरा कांड की घटना के कारण तो चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लिया गया तो कारण क्या था रॉलेट एक्ट और जलियावाला बाग वापस क्यों ले लिया गया चौरी चौरा कांड के कारण क्लियर है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था तो अबुल कलाम आजाद ने कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसको संपादित किया था बताइए अबुल कलाम आजाद बहुत ही आसान सवाल है किसकी किसको किया गया था भाई इस बार ही पूछा भी, इस बार पूछा भी था शायद। अल हिलाल। क्या नाम है अल हिलाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद अबुल कलाम आजाद तो पहले शिक्षा मंत्री और मौलाना अबुल कलाम आजाद ठीक है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो खिलापत आंदोलन के समय ही यह गांधी जी से निकट की निकटता में आए थे खिलापत आंदोलन के दौरान ठीक है खिलापत आंदोलन के दौरान 1940 से 45 तक भारत छोड़ो जब आंदोलन चल रहा था उस समय यह कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे तो 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अबुल कलाम आजाद अब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी इन्होंने कार्य किया और उसके का जरिया जो है वो अल हिलाल अखबार ही था तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने अल हिलाल जो अखबार है इसमें भी काम किया क्लियर है किसी को कोई दिक्कत परेशानी चलिए स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी बताइएगा भाई स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी यह इंपॉर्टेंट सवाल है बताइएगा अब जानते हो गला जो है ना वो फट गया है मेरा समझ रहे हो बताइए तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना तो इक्कीसवा नंबर सवाल है सिंपल सवाल है किसने की थी श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने की थी कब की थी 1923 में इसी स्वराज दल को स्वराज पार्टी के नाम से भी हम जानते हैं इसी स्वराज दल को हम स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो स्वराज पार्टी की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई तो बिहार में स्वराज दल की जो स्थापना है वो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई याद रखिएगा इसके प्रथम सचिव कौन थे पहले सचिव अब्दुल बारी अब्दुल बारी इसके सचिव थे अब्दुल बारी इसके सचिव थे ठीक है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है नारायण प्रसाद नारायण प्रसाद ठीक है याद रहेगा अब थोड़ा सा आपको यहां पर कंफ्यूजन हो रहा होगा देखिएगा अगर हम बात करें तो भाई आपको तो लगेगा स्वराज पार्टी तो यार मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास भी हैं हैं लेकिन यहां पर क्या है बिहार में तो बिहार में स्वराज दल श्री कृष्ण सिंह बिहार में सवाल में बिहार लिखा है वैसे क्या है आपको पता है 1922 का जो गया सम्मेलन हुआ जो कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया सम्मेलन हुआ उसके बाद एक जनवरी उन्नीस को है, एक जनवरी उन्नीस को क्या हुआ कौन सी पार्टी बन गई बन गई मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने एक राजनीतिक दल गठन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी एक जनवरी 1930 को मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया ठीक है स्वराज पार्टी का गया सम्मेलन के बाद 1922 के गया सम्मेलन के बाद ठीक है देखिए यहां पर क्या था दो पक्ष में मतभेद था एक पक्ष कहता था कि हम विधान परिषद में प्रवेश करके ब्रिटिश का विरोध करेंगे मतलब सदन के अंदर जाकर और एक पक्ष कहता था कि नहीं हम बाहर रहकर जो है वो विरोध करेंगे तो जो पक्ष सदन के अंदर जाकर विरोध करने की बात कर रहा था वो स्वराज वाला पक्ष था चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू और जो पक्ष बाहर वाला जो था जो नॉर्मल बोला था कि बाहर से विरोध करेंगे तो उनसे ही हटकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की यह पार्टी जो है विधानसभा में प्रवेश पाकर अंग्रेजों का विरोध करना चाहती थी दोनों लोग अंग्रेजों का विरोध चाहते थे लेकिन एक, एक सदन में घुसकर एक सदन के बाहर से तो ये लोग सदन के अंदर से विरोध करना चाहते थे और इसी पार्टी को अगर देखा जाए तो इसी पार्टी का बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में इसी की शाखा का स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया इसलिए कंफ्यूजन होता है लोगों को कि यार स्वराज पार्टी वहां भी थी फिर यहां कैसे आ गई उसी की शाखा का जो है स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था उसी शाखा का ठीक है और इसके प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद और अब्दुल बारी इसके प्रथम सचिव थे क्लियर है समझ में आया कुछ कि नहीं बुझाया बुझाई गया होगा ठीक है इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दे दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक नजराना अर्पित करेगा यह तो बड़ा आसान है यह इंपॉर्टेंट सवाल भी है ठीक है तो किसने किया था भाई तो किसने कहा था हुमायूं को यह प्रस्ताव किसने दिया था तो वह बिहार को अगर समर्पित कर देगा तो दस लाख दिनार का एक वर्ष में नजराना मिलेगा उसको ट्रिब्यूट गिफ्ट के तौर पर हम देंगे कौन है भाई सीर खान क्या नाम है सीर खान सीर खान एक बड़ा बढ़िया शासक सीर खान नाम सुने ही होंगे आप नाम तो सुना होगा सीर खान तो बिहार का निर्विवाद बेहतर शासक में से एक शासक शेर खान तो शेर खान ने भैया कहा शेर शाह को कि हमको बिहार दे दो हम तुमको दस लाख दिनार का वार्षिक नजराना जो है वो तुमको हम देंगे ठीक है नहीं चलो ये हो गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था <laughs> रुपया जैसे बोलते हैं ना तो इसे ही दिनार है <laughs> बहुत आसान सवाल बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां है एक नालंदा विश्वविद्यालय सुने होंगे आप एक विक्रम के शिला विश्वविद्यालय सुने होंगे तो ये कहां पर है ये बिहार के भागलपुर में है कहाँ पर है बिहार के भागलपुर में एक गांव है जिसका नाम है अंतिचक गांव क्या नाम है अंतिचक गांव अंतिचक गांव वहां पर यह स्थित है अंतिचक गांव में ठीक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसकी स्थापना इस किसने की थी तो धर्मपाल क्या नाम है धर्मपाल पाल वन स्ट्रीमिंग बंद करो स्ट्रीमिंग बंद करो 103 तो तीन ईस्वी के अराउंड में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय इन सबको नष्ट कर दिया था किसने बख्तियार खिलजी ने और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है इसकी जानकारी मिलती है तबकाते नासरी से इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है तबकाते नासरी से तब काते से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है कि बख्तियार खिलजी जो है वो इसको नष्ट कर दिया नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया आप लोगों से सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था नष्ट तो बख्तियार खिलजी ने किया लेकिन स्थापित किसके द्वारा किया गया था विषय विश्व जो विश्वविद्यालय है वह वज्रयान के लिए जाना जाता है किसके लिए वज्रयान वज्रयान मतलब जादू टोना से संबंधित ठीक है जादू टोना से संबंधित बौद्ध धर्म में जादू टोना काला जादू से संबंधित यही वज्रयान है ठीक है इसी के लिए इस विश्वविद्यालय को जाना जाता है क्लियर है याद रहेगा कुछ कि भूल जाएंगे कुछ कुछ तो याद रखेंगे ना ये सब भूल ही जाएंगे क्लास रुक गया था